ये कहानी है छोटे से एक शहर सहारनपुर में रहने वाले कपूर परिवार की। यूं तो शहर का लकड़ी का काम और गन्ने के खेत काफी मशहूर हैं, पर उससे भी ज्यादा मशहूर है यहाँ पर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी बीमारी कि लोग क्या कहेंगे। मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया सच में वो है जो लोग कहते हैं, या जो लोग कहते हैं हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस शहर में मशहूर हैं शर्मा जी, उनके घर दर्शन देने आई हैं ममता मई श्री राधे माँ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। जिस हृदय में सच्चाई वास करती है परमात्मा जरूर उसका साथ देता है, और जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। बोल सच्चे दरबार की जय। राधे माँ को भला कौन नहीं जानता, कहते हैं गुड़िया माँ है, इनका वचन कभी खाली नहीं जाता। कई परिवारों पर मेहर की है इन्होंने, पता नहीं मुझ पर इनकी कितनी मेहर होती है। जय माता दी। इनसे मिलिए, ये है मेरी माँ मीनू कपूर। हीरोइन बनना चाहती थी पर जीवन पड़ोसियों और रिश्तेदारों की चुगलियां करने में ही सीमित रह गया। अभी एक्टिंग तो नहीं लेकिन ओवर एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। सहारनपुर में साड़ी की दुकान चलाने वाले अनिल कपूर हैं मेरे पापा, बट असल जिंदगी में तो ये अपनी बीवी का पल्लू पकड़े पीछे चलते रहते हैं। ये कोई मधुमक्खी का छत्ता नहीं, ये मेरा छोटा भाई चीकू जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अभिषेक कपूर, सुना है जिंदगी का असली शोर उसकी खामोशियों में छुपा होता है, इसलिए कंफ्यूज हूँ मैं हूँ कौन, खुद से पूछता हूँ कभी कभी पर कोई भी जवाब सच नहीं लगता। खुद को जानना इतना आसान नहीं है। जय माता दी। कितना सुंदर दिखता है एक साथ मेरा ये परिवार, पर जब तक ये सब चुप है, एक बार चूचू स्टार्ट हुई नहीं फिर हमारा घर घर नहीं रोडीज का बैटल ग्राउंड बन जाता है। जय माता दी। माँ, मेरे पुत्र को बुरी बलाओं से बचाओ, आप ही कृपा कर सकती हो। देखिए वो नजर वाली बात भी कर लो। सुना किसी की नजर लग गई है इसको पक्का, मेहर करो इस पे और मेरे बेटे को हीरो बना दो हीरो। ऊपर वाले की कृपा से ये जरूर हीरो बनेगा। हर बात पे टिकी टिकी करते, हर बात पे ओके ओके करते। ओए बाबा ने बोला है लाशें बिछा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। सनी पाजी, हाजी पाजी, हाजी तुम्हें कोई हक नहीं बनता इतना खूबसूरत दिखने का। वाओ, लुकिंग सो क्यूट बेबी। तू फिर वापस आ गया, तू मत आया कर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। I know baby, don't ever call me baby, मुझे शब्द से नफरत है, आया समझ तुझे। मेरे से बेटर तुम्हें और कौन समझ सकता है, after all एक ही तो है तू, जिस्म और मैं जान। ए भगवान इसे उठा ले। कौन आ गया? आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, रुक जा। अबे आदमी हूँ सुपरमैन नहीं, जो उठ के आ जाऊंगा। अबे चूतिए बस। क्या
क्या कहा तूने? मम्मी पापा आप लोग अचानक से? चूतिया तो अचानक ही आते हैं। ये हुलिया का बना रखा तूने? वो तो मैं रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल कर रहा था जी। क्या कर रही है तू? रिएक्शन चेंज करो, इमोशन चेंज करो, गुस्से वाले रिएक्शन लेके आओ। की सुन रही हूँ मैं? करता की बे तू? तूने ना मेरे इमोशन से डेथ कर देती। डेथ? ओए खोते दे पुत्र, तुझसे कितनी उम्मीदें थी हमें, हैं? तुझे हमारी कोई परवाह नहीं है? हल्कता हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है? नो ना जी ना, परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी। मैंने सीन टू सीन देखी है। विनोद खन्ना, ओए ओए, बॉडी शॉडी डोले शोले, मैं कह तो अनु कभी कभी डंबल चक लेता करो यार। तू मेरे पीछे बैठ जाती है। मैं कह रही हूं यार, तू अपने आप में सुन जाते हो। आप लोग आए कैसे? भाई जान से पूरे 2 घंटे लगे। पर आए क्यों? वाए तूने जो झटका दिया। झटका कौन सा झटका? और तेरे चटके को चटका तो मैं दूंगा, पहले प्यासों को पानी तो पिला दे। हाँ पिलाता हूँ। हाय बहुत प्यास लगी है। आप लोग अकेले आए हो? चीकू नहीं लाए? चीकू सीजन में नहीं। चीकू, चीकू कितने रह गए? कितने छड़ाए हो तुसी? चीकू तेरे नाल सी। आ गया मम्मी। अरे चीकू क्या हाल चाल? ले पकड़ा इधर। क्या पकड़ा भैया? क्या पकड़ा मतलब? बैग पकड़ा। दिमाग खराब हो गया सबका? दिमाग सबका खराब नहीं हो गया, दिमाग तेरा खराब हो गया। जब देखो मुंबई से भागने की बात करता रहता है। चुप करो जी, इन्हें इधर रखो, ऊपर रखो इसको। क्या करूं इसका? खोल लोगे? क्या करोगे? अब भागने की बात कर तू, तेरे लिए खुशखबरी लेके आए हम। खुशखबरी? आपसे ना टाइम पे कभी भी ज़िप नहीं खुली। क्या देख रहे? खोल इसको। मैंने कह दिया पापा मैं वापस आ रहा हूँ। चुप कर यार, और तुझे यहाँ पे रहना है, स्टार बनना है, जरा सोच। सहारनपुर में लोग क्या कहेंगे? ना कट जाएगी हमारी। डैड आई डोंट गिव अ डैम कि लोग क्या कहेंगे, मुझे ये एक्टर एक्टर नहीं बनना। मैं कुछ भी कर लूंगा, आपकी साड़ी की दुकान में आपकी हेल्प कर लूंगा पापा। और एक्टर बनना जरूरी थोड़ी है, और इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम नहीं ना है पुत्र, चाहे अरे का सुषमा ऊपर से निम्मो एक नंबर की वैम्प है, वैम्प। उन सबको पता है तू यहाँ स्टार बनने आए हैं, ऐसे वापस आ जाएगा तो मेरा क्या होगा? दस माँ पर मैं यहाँ पे करूंगा क्या? यहाँ पे कोई काम भी तो होना चाहिए। ये लो मम्मी। देख बेटा, बेटा काम ना ढूंढने से मिलता है, ढूंढने से। ये मैं तेरे लिए ढूंढ के लाई हूँ, और ये जो राजन आंडा है वो तुझे ढूंढ रहा है, ऑडिशन ले रहा है। देखा, इसे कहते हैं माँ। कितनी तकलीफ उठा रही है तेरी माँ, कितना फिकर कर रही है तेरी माँ। आई नो आप लोग मेरी बहुत फिक्र करते हो, पर ये ऑडिशन पिछले 2 साल से दे रहा हूँ मैं मुंबई में, और कर क्या रहा हूँ? और आपको पता भी है इन ऑडिशन में कितने कीड़े होते हैं? कीड़े? हाय गोभी है कि उसमें कीड़े होते हैं? तेरे ना बहाने अभी बहुत हो गए, ये चूचू चाचा बिल्कुल बंद कर दे। तू ऑडिशन देगा बस, और कुछ नहीं जानती मैं। आपकी मुंह में मूंगफली है, बोलते क्यों नहीं कुछ? बस तुझे तेरी माँ की सौंप। तू ऑडिशन पे जाएगा, और जरूर जाएगा। उसे पढ़, राजन हाड़ा को 2 लड़के चाहिए। हाँ वैसे भी इसका एक से बनता कहाँ है? और ये माधिसा क्या लगा रखा है? प्लीज ग्रो अप गाइस, ये कोई भिंडी बता रहा है? मैंने आपसे कह दिया मैं ऑडिशन नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। मेरी कसम दे दी, फिर भी नहीं मानता। अब चकले मेनू चकले। और संभाल उसको, कुछ क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, माफ कर दो मुझे भाई, माफ कर दो। मैं ऑडिशन जाऊंगा। ठीक है ठीक है। और एक और बात, ये माधिसा बोल के ना आइंदा से ब्लैकमेल मत करना, आया समझ? हो गया काम। हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं। पहले जब ये मुझे सपोर्ट करते थे तो अच्छा लगता था, इतने कूल पेरेंट्स। पर अब तो मुझे डाउट होने लगा है, कहीं मम्मी पापा चाहते तो नहीं कि मैं सहारनपुर वापस ही ना जाऊं? क्या पता इसमें कोई चाचा की चाल हो। एनीवेज अब जब ऑडिशन जाना ही है तो लेट होने से कोई फायदा नहीं। चल अभिषेक, लेट्स गेट रेडी। अभिषेक आजा नाश्ता कर ले, लेट हो रहा है। ओए वाह वाह, एकदम हीरो लग रहा है मेरा पुत्र है। वाओ, आलू के पराठे। हाँ बेटा तू पराठे छोड़,
ये देख, मैंने ना दूध में तेरे लिए ये बॉडी बुलाने वाली दवाई 4 चम्मच डाल दी, तू ये पी। 4 चम्मच वे प्रोटीन? मम्मी एक स्कूप डाला जाता है, ऐसे नहीं बनती बॉडी, आपको ना कुछ नहीं पता। एंड बाय द वे इट्स नॉट दूध, इट्स प्रोटीन शेक। तू चूचा ना कर, ले पी ले फटाफट पी ले सारा। मम्मी मुझे भी बॉडी बनानी है जॉन सीना की तरह। उसके पास ना सीना है, और तेरे पास सीनी है। सीनी खेड़ खेड़ नहीं, खिडौने से खेड़, वीडियो गेम बोलते हैं इसको। और मम्मी यहाँ बॉडी शॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ चाहिए। तुझे ना तेरा मिक्की मामा चाहिए, मिक्की मामा एप्पल टू ज़ेब्रा। एप्पल टू ज़ेब्रा, ए टू जेड। कितना इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। बिल्कुल माँ पे गया। आओ जी। भी जब हमारा पुत्र स्टार बन जाएगा तो पता लोग क्या कहेंगे। हेलो अनिल जी, हेलो अनिल जी, सेल्फी प्लीज। अनिल जी प्लीज मुझे एक बार अभिषेक से मिला दो। है? और ये मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड, ये पता क्या बोलेंगे। ओ यार अनिल, एक काम कर, हमारे ब्रांड की प्रमोशन करवा दो अपने पुत्र से। लेकिन नहीं, नो नो, मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर ऐड करवाऊंगा तो अपनी प्रोडक्ट की करवाऊंगा। बस मैं साड़ी पहनूंगा। साड़ी पहनाओगे मेरे पुत्र को? नहीं यार, हाथ में पकड़ाऊंगा साड़ी। हाँ, लेकिन काली अड़ी पकड़ाना। काली क्यों? अरे नजरें नहीं खा जाती पड़ोसियों की? इसकी नजर तो मुझे अब भी उतारनी पड़ेगी। इधर आ, नजर उतार, इधर आ, इधर आ। मम्मी क्या कर रहे हो, मुझ पे थूक रहे हो? अरे ये नजर ऐसे ही उतारते बेटा, मुझे नहीं उतरवानी। अरे मेरी भी नजर उतार दो। हाय मेरा बेटा, एले उतर गई नजर तेरी। ऑडिशन के लिए लेट हो रहा हूँ, ट्रैफिक भी बहुत मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा। सुन पुत्र, माथा टेक, माता रानी को याद करना और दिल लगा के ऑडिशन देना जी है। पापा चल, गो सेफ। अरे बेटा मिक्की मामा का लंच है, टाइम पे पहुंच जाएं। हैं? ठीक है। पर मम्मी मिक्की मामा का एड्रेस? अरे अमिताभ बच्चन के सामने वाले तो बंगलो है, उसके तू वॉचमैन से पूछ लेना, बता देगा तेरा मिक्की मामा कहाँ रहता है। ऑल द बेस्ट भैया।